हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं हम इस वीडियो के। पैरलेक्स मेथड, ये पूरा कंप्लीट यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ है, ये लेक्चर वन है। इसका लेक्चर टू भी इससे हम बनाएंगे, जिसमें आपको एरर्स के बारे में पढ़ाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर, ये सब क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम। ये पैरलेक्स मेथड करते हैं हम लोग। आइए देखिए, लास्ट पार्ट है ये इसका, और ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, आपका भी होगा ही, मुझे लग रहा है डाउट। आप सोच कर देखिए, आपको पैरलेक्स आता है क्या? अगर पैरलेक्स मेथड आपको आता है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 12, पहले आपको कंफर्म करना है कि आपको पैरलेक्स आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना है। तो आप पेज नंबर 19, एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 का एग्जाम्पल 2.2 है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो समझिए आपको पता है पैरलेक्स मेथड, नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक। तो पहले हम समझेंगे कि ये पैरलेक्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये पैरलेक्स मेथड का यूज करके और कैसे हम लोग डिस्टेंस ऑफ स्टार, सन, हम अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, मून कितने डिस्टेंस पे है, ये सब इसी मेथड का यूज करके पता किया गया है। पहले हम बात करेंगे पैरलेक्स क्या होता है। तो मेरे हाथ में ये दो पेन है, आप भी दो पेन को ऐसे अपने हाथ में रख लीजिए। तो ये ब्लू वाले पेन को एकदम रेड के मैं सामने रखा हूँ, देखिए एकदम सामने मैं ऐसे रखा हूँ, आप भी यहाँ से देख लीजिए ऐसे। ये रेड वाले को मैं ब्लू वाले के एकदम, हम ऐसे तिरछा घूम जाते हैं ताकि आपको दिखे, मैं रेड वाले के एकदम सामने ब्लू वाले को देखा रखा हूँ मैं। अब ये ब्लू वाले पे अब इसके ब्लू वाले पेन के टिप पे देखना है, एक बार दाहिने आंख से देखना है, एक बार बाएं आंख से देखना है, अलग अलग। तो मैं राइट आई से पहले देख रहा हूँ, फिर लेफ्ट से देख रहा हूँ, फिर राइट से देख रहा हूँ, मैंने इसको सामने रखा है ऐसे। तो जब आप राइट वाले आंख से देखेंगे तो ये अलग जगह दिखेगा, राइट वाले को क्लोज कर देंगे, लेफ्ट वाले से देखेंगे तो ये अलग जगह दिखेगा। ये रेफरेंस के लिए लिए हैं, रेड वाले का कुछ काम नहीं है, रेड वाले को रेफरेंस के लिए लिखे हैं कि पहले मैंने तो इसको रेड वाले के सामने रखा, तो मैं राइट वाले आई से देख रहा हूँ तो अलग जगह दिख रहा है, और लेफ्ट वाले से देख रहा हूँ तो ये इधर चला जा रहा है मेरे केस, मतलब मुझे लग रहा है। देखिए मैं जैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बता रहा हूँ, आप भी खुद से देखिएगा। देखना किसको है, ब्लू वाले को, इसको मैं रेफरेंस के लिए रखा हूँ कि इसके सामने दिखता है कि इससे इधर दिखता है कि इधर दिखता है। तो पहले मैं एकदम सामने रख दिया दोनों आँख खुला कर, फिर जब मैं ये वाला लेफ्ट आई क्लोज किया हूं ना, दाहिना आई क्लोज करेंगे तो ये पेन इधर चला जा रहा है, मतलब लग रहा है कि इधर चला गया। अब बायां ये लेफ्ट क्लोज कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है, राइट क्लोज कर रहे हैं तो उधर, मतलब जो आंख क्लोज कर रहे हैं ना ये उसी तरफ शिफ्ट कर जा रहा है, जबकि ये है उसी जगह, ब्लू वाला मार्कर उसी जगह रखा हुआ है। लेकिन आप अगर राइट आई से देखिएगा तो थोड़ा इधर दिखेगा, ये रेड के रेस्पेक्ट में, अभी रेड के पूरा सामने रखिए, तो राइट वाला आंख क्लोज कीजिए तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा आपको लगेगा, फिर लेफ्ट वाला कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, मतलब सामने नहीं दिखेगा। तो ये जो शिफ्ट कर रहा है राइट से लेफ्ट आई से देखने में, जिस जो इसका पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ दिखने लग रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, एपरेंट मतलब अपियर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एपरेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जबकि ये है उसी जगह, ब्लू वाला मार्कर उसी जगह रखा हुआ है। लेकिन आप अगर राइट आई से देखिएगा तो थोड़ा इधर दिखेगा, ये रेड के रेस्पेक्ट में, अभी रेड के पूरा सामने रखिए, तो राइट वाला आंख क्लोज कीजिए तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा आपको लगेगा, फिर लेफ्ट वाला कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, मतलब सामने नहीं दिखेगा। तो ये जो शिफ्ट कर रहा है राइट से लेफ्ट आई से देखने में, जिस जो इसका पोजिशन शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ दिखने लग रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, एपरेंट मतलब अपियर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एपरेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेफ्ट से देख रहे हैं हम, मतलब राइट से देख रहे हैं तो मुझे जहां भी दिखा लेफ्ट से देखे, जो आंख क्लोज कर रहे हैं उसी तरफ जा रहा है, ये क्लोज कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है, ये क्लोज कर रहे हैं तो इधर चला, जो आंख क्लोज करेंगे ना उसी तरफ चला जा रहा है, मतलब ये आंख क्लोज कर रहे हैं तो ये इधर चला जा रहा है,
ये आंख क्लोज कर रहे हैं तो ये इधर दिख रहा है मुझे, तो इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, उन दोनों लोकेशन के बीच का गैप, सच में लोकेशन नहीं चेंज रहा है, मुझे अपीयर हो रहा है ये कि अभी यहाँ दिख रहा है फिर यहाँ दिख रहा है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट, उसी डिस्प्लेसमेंट को, अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट को ही पैरलेक्स बोलते हैं, समझ गए? तो अपेरेंट शिफ्ट इन पोजिशन वेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशन इज नोन एज पैरलेक्स। समझ में आ गया क्या पैरलेक्स क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट को आप दो अलग अलग जगह से, यहाँ दो अलग जगह मतलब एक मेरा ये आंख, या इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस हो गया कि नहीं इन दोनों के बीच, तो वैसे ही आप एक जगह से देखेंगे तो कहीं और कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, दूसरे जगह से देखेंगे उधर जाके तो उसका शिफ्ट हो जाएगा पोजिशन। तो अपेरेंट शिफ्ट जो हो रहा है पोजिशन में, अपेरेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके पोजिशन में, उस डिस्प्लेसमेंट को ही पैरलेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया पैरलेक्स क्या है? अब पैरलेक्स मेथड का यूज करके कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो जैसे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो मैं इसको इसको टिप को देख रहा था, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट ओ नाम दे देता हूँ, ओ, और इसको मैंने अपने राइट और लेफ्ट आई से देखा, तो मेरे दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे आंख देखिए बना दे रहा हूँ, मेरा ये आंख यहाँ है, ये दूसरा आंख कहाँ है अरे बाबा, दूसरा आंख यहाँ है, ये देखिए ये दोनों आंखों से मैं देख रहा हूँ राइट लेफ्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ना मेरे आंखों के बीच, जिस जगह से मैं देख रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल डी, और ये एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको थीटा में लिख दिया, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं पैरेलेक्स एंगल बोलते हैं, मतलब जो डिफरेंट लोकेशन से आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके डिस्टेंस से ये कितना एंगल बन रहा है इसको पैरेलेक्स एंगल बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये पेन है, और ये आपका एक आंख है लेफ्ट आई और ये राइट आई, तो आपके आंखों के बीच की दूरी है ये, और ये इस पेन का आपके आंखों से दूरी है, ये कैपिटल डी मैंने लिखा है। अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की जगह पर, इस पेन की जगह पर मुझे ये सन होता, और मुझे सन का डिस्टेंस पता करना पड़ता कि अर्थ से कितना है डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है पता करना होता, तो क्या करते हम, अर्थ पे अर्थ अर्थ का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लेते, मतलब अर्थ का डायमीटर कितना होता है 60 डी, तो हम अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो उसका डबल डिस्टेंस, अर्थ का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हम दो डिस्टेंस से एक साथ यहाँ पे देखते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, कैसे एंगल मेजर करते हैं, तो हम वर्टिकल से वर्टिकल एकदम ऐसे लेजर लाइट ऐसे भेजते वर्टिकल, और उधर से देखते कि ये सन कितने एंगल पे है, तो इस एंगल को मैं बोल देता θ1 है, फिर वैसे ही यहाँ से भी कोई आदमी देखता, वो दूसरे कंट्री वाला आदमी होता, वो भी ऐसे लेजर लाइट एकदम वर्टिकल ऐसे करता वर्टिकल बना के, और उससे बोलता कि अरे मेरे से तो सन इतने एंगल पे है बाबा, θ2 एंगल पे है, तेरे से कितने है, मेरे से θ1 पे है, ओके, तो ये θ1 ये θ2 हो गया, दोनों लोकेशन से पता चल गया एंगल, अब ये θ1 और ये θ2 हो गया एंगल, तो यहाँ पे इस एंगल को ऐसे, तो यहाँ पे इस एंगल को देखिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये लाइन पैरेलल है, दोनों वर्टिकल लाइन है ना, तो ये θ1 है, तो इधर से क्या होगा θ1 पैरेलल लाइन ये है, तो ये एंगल θ1, तो ये भी θ1 होगा, वैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये θ2 एंगल है, तो ये भी एंगल क्या होगा θ2 होगा, तो ये टोटल एंगल जो बना रहा है क्या इसी को पैरेलेक्स एंगल मैंने बोला था, बोला नहीं है, तो थीटा को ही मैंने पैरेलेक्स एंगल बोला था, तो थीटा एंगल क्या हो गया θ1 प्लस θ2, अब ये θ1 θ2 क्या है इन दोनों को तो पता चल ही जाएगा, इसको तो पता चल ही जाएगा कि मैं वर्टिकल से कितना ऐसे बेंड किया था तो सन मुझे दिखाई दिया था, ये भी बोलेगा कि वर्टिकल से मैं इतना बेंड किया, कितना एंगल बेंड किया कि सन दिखाई देगा, θ1 θ2 तो मेजर कर ही लेंगे ये दोनों, अब θ1 θ2 मिल गया तो थीटा भी मिल गया, अब थीटा क्या है पैरलेक्स, क्योंकि एक यहाँ से देखा है एक यहाँ से देखा है, तो एक इस आंख से देखा है उस इस आंख से देखा है, समझिए, तो ये एंगल बनाया है थीटा पैरलेक्स एंगल, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना थीटा इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है स्टूडेंट, ये कैपिटल डी इतना ज्यादा होता है अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर है, उसका डबल डायमीटर होगा, लेकिन इससे इसका डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है,
यानी 1.5 × 10^11 मीटर, कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस कि आप इसको, ये जो डी है ना, इसको आर्क मान सकते हैं। ये है एक कॉर्ड है, लेकिन आप इसको एक आर्क मान सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू आर्क या कॉर्ड मानने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डी का वैल्यू ज्यादा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क की जगह पर मैं ये डी लिख दूंगा, और रेडियस के जगह पर ये सर्कल का आर्क बन रहा है ना, तो रेडियस के जगह पर मैं ये वाला डी लिख दूंगा, कैपिटल डी। मुझे कैपिटल डी ही तो फाइंड करना था, कैपिटल डी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी अपॉन थीटा। समझ गए ना कैसे फाइंड करेंगे? तो इस फॉर्मूला का यूज करके और हम लोग ये अर्थ के एक लोकेशन से सन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलेक्स एंड व्हाट इज पैरेलेक्स मेथड। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया आपको। और अगर आपने ये सीख लिया तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 जाकर और एग्जाम्पल 2.2 ट्राई कीजिए। सोल्व नहीं होता है तो मुझे चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एरर, और हम आपको एरर के कॉन्सेप्ट बताएंगे कि परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये आपको ऐसा बताएंगे मेथड राउंडिंग ऑफ का कि आप समझेंगे कि ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बाबा, पहले से ऐसे जानते ही नहीं थे हम। तो आप इंतजार कीजिए हमारे उस वीडियो का जिसमें मैं राउंडिंग ऑफ, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे चीज को मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।